इश्यूज हैं दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक इशू तो जैसे कि आपको मालूम है कि क्रिप्टो करेंसी का चल रहा है स्टेट में और उस पे आज डायरेक्टर जनरल पुलिस ने जो ब्रीफिंग दी थी हमें उसके आधार पे जो बातें सामने आई हैं वो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। और दूसरा इशू है जो ट्रांसपोर्ट में टैक्सेशन को लेके मसला है, वो ये जो क्रिप्टो करेंसी के जो फ्रॉड हुआ है, जो इसके किंग पिन्स हैं, इनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ये हम राज्यवासियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 2500 करोड़ रुपए का ये टोटल जो है, जिसको आप कह सकते हैं कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और हिमाचल जैसी देवभूमि में, शांत प्रिय प्रदेश में, और ये जो घटना पेश आई है ये अपने आप में एक चौंकाने वाला मसला है। मुझे याद है कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी ने मुझे पत्र लिखा था और उन्होंने ये मुझे उसमें कहा था कि हिमाचल प्रदेश में लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है तो इसकी जांच करवाई जाए। और उसके बाद हमारे MLA जो है डेरा से, उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ये मसला उठाया और हमने उसमें SIT गठन के निर्देश दिए थे और SIT ने बहुत तेजी से काम किया है, बड़े प्रभावशाली तरीके से काम किया है और जो तथ्य सामने आए हैं उससे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में और गिरफ्तारियाँ इसमें होंगी और जिन लोगों ने प्रदेश की भोली भाली जनता को लूटा है, ठगा है या बहका के उनसे पैसा हासिल किया है, तो ये उससे जुड़ा मसला है। और 500 करोड़ रुपए के आसपास लोगों का ऐसा पैसा है जो अब रिकवर नहीं हो सकता, जो रिकवरी से बाहर है, जिन्होंने लगाया था वो उनको मिल नहीं सकता। और इन लोगों ने लगभग 1,00,000 लोगों को, हिमाचल के 1,00,000 लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया है और 2,50,000 के आसपास IDs जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। ये पूरा डिजिटल स्कैम है जहाँ पे बैंकिंग प्रणाली को पूरी तरह धत्ता दिखा के या हमारे प्रदेश की बैंकिंग व्यवस्था को पूरी तरह जो है बाईपास करके इन्होंने अपनी ये प्रणाली कायम की और इनका जो
संभावित हेड ऑफिस वगैरह की बात है, समझा जाता है कि ये दुबई से ऑपरेट होता है मसला। और जब हमने विधानसभा में ये अनाउंस किया था कि हम SIT बनाएंगे, तो उस समय सिर्फ 8 शिकायतें थी, आज पुलिस के पास 300 शिकायतें आ चुकी हैं। और 300 शिकायतें आ चुकी हैं, और शिकायतें जो है लगातार आने की संभावना है। 100 के आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसमें 2 करोड़ से ऊपर कमाया है, और 200 के आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसमें से 1 करोड़ कमाया है, और उससे ऊपर के लोग हैं जैसे मंडी के सुभाष शर्मा, उन्होंने इसमें, सरका घाट के रहने वाले हैं, उन्होंने अकेले जो है 200 करोड़ रुपया कमाया है, 200 करोड़ रुपए की कमाई की है। और ये क्रिप्टो फ्रॉड जब अनअर्थ होता, उससे पहले ही वो दुबई चले गए अपनी वाइफ के साथ, और वो वहाँ पे कैंप कर रहे हैं, उनका वीज़ा समाप्त हो गया है, उनका जो है लुकआउट नोटिसेस वगैरह इंटरपोल के माध्यम से वो सारे पुलिस जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है वो पुलिस अडॉप्ट कर रही है। लेकिन एक अकेला आदमी 200 करोड़ रुपए की कमाई उस व्यक्ति ने की है। और ऐसे ऐसे ही कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास इस पूरे नेक्सस में जिनको हासिल हुआ है। और इसमें अभी एक ऊना के अभिषेक भी हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक जो जांच चल रही है वो 2 करोड़ से ऊपर जिन्होंने कमाया है अभी तक उनसे पूछ पड़ताल हो रही है। जिन्होंने 2 करोड़ से ऊपर इसमें धन अर्जित किया है उनसे इसमें पूछ पड़ताल चल रही है। और लगभग 80 के आसपास मोबाइल जब्त हुए हैं, और ये सारा जो है मोबाइल्स पे ही है गेम कि किस ढंग से इस पैसे को घुमाना है, ये पैसा कहाँ है, किधर है, ये अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पुलिस जो है, पुलिस ने पूरी वेबसाइट रिकवर कर ली है, उसमें सबके नाम पते आ गए हैं, किसने कितना कितना धन लगाया है। 5,000 के आसपास सरकारी कर्मचारी भी इसमें धन लगा चुके हैं, और पुलिस के लोगों ने भी इसमें धन लगाया है, और कुछ लोगों ने तो नौकरियां भी छोड़ी हैं, और नौकरियां छोड़ के उन्होंने इसी इसी को अपना वो बना दिया। और सबसे बड़ी बात है, जिनको अभी 4 लेन में मुआवजे मिले हैं, जमीनों के मुआवजे मिले हैं या नेशनल हाईवे के में मुआवजे मिले हैं, और उन लोगों का पैसा भी यहाँ इसमें इन्वेस्ट करवा दिया गया, उन लोगों का पैसा इसमें इन्वेस्ट करवाया गया। और मुख्य तौर पे 4 लोग तो मेन कल्प्रिट सामने आ ही रहे हैं, सुभाष, हेमराज शर्मा और सुखदेव जो मंडी से हैं, और अभिषेक जो ऊना से हैं। इन लोगों ने ये ताना बाना बुना, और उसके बाद ये मसला जो है आगे बढ़ता गया। अभी तक जैसे आपको कहा कि 80 मोबाइल जब्त किए और 8.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त हुई है, क्योंकि ये सारा पैसा इन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, बाकी तो इनके पास करेंसी में, डिजिटल करेंसी में कहाँ कहाँ रूट किया हुआ है, किधर किधर रूट किया हुआ है वो तो अभी जो है पड़ताल चल रही है।
इन्होंने बैंकिंग प्रणाली को भी धक्का दिखाया, इन्होंने इनकम टैक्स की व्यवस्था को भी, क्योंकि अगर इन्होंने ये पैसा कमाया था, इन्होंने कहीं भी इनकम टैक्स में इसको रिफ्लेक्ट नहीं किया है, कहीं भी अपना सालाना इनकम टैक्स का भरते हुए कहीं भी ये नहीं दिखाया है कि ये पैसा हमारे पास कहाँ से आया और किन रूट से आया। और सबसे ज़्यादा पैसा मंडी हमीरपुर एरिया के लोगों ने लगाया, और बीच में पंजाब हरियाणा के लोगों ने भी कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन मुख्यतः जो है पैसा हिमाचलियों का इसमें लगा है। 10 अरेस्ट हुई हैं, अरेस्ट 50 के आसपास हो सकती हैं, और हम प्रदेश के लोगों से आपके माध्यम से हम बताना भी चाहते हैं कि हम जो लोग निर्दोष हैं, जो लोग सिर्फ झांसे में आ गए, जो लोग लालच में आ गए और उनसे पैसा लगवा दिया गया, हमारा कंसर्न वो ठगे तो गए हैं लेकिन बहुत बड़ी संख्या है प्रदेश की, बहुत बड़े संख्या में लोग हैं वो, तो इसलिए हमारा ये है कि वो किंग पिंस हैं जिन्होंने जो ये पूरी चक्रव्यूह रचा और जिन्होंने ये जो है इसमें से मेजॉरिटी पैसा जो है कमाया है। हमारा सारा फोकस उन पे है ताकि आने वाले समय में कोई भी फ्रॉड जो है हिमाचल प्रदेश की जनता से ना हो सके, और प्रदेश के लोगों से भी हमारा ये आग्रह है कि ऐसी कोई भी योजना जो कि केंद्र से अप्रूव ना हो, राज्य से अप्रूव ना हो, बैंकिंग प्रणाली से अप्रूव ना हो, उसमें पैसा इन्वेस्ट करने से पहले जो है उसके बारे में पता जरूर लगाएं। एक बार हिमाचल जैसे राज्य में अगर 2500 करोड़ रुपए का एक जो है ये बैंकिंग भी नहीं आप कह सकते, ये तो प्राइवेट प्रणाली है, बैंकिंग फ्रॉड अलग चीज़ है, लेकिन जो है इसमें लोगों को पकड़ने के लिए भी आने वाले समय में व्यवस्था कैसे सुधरे, रिज़र्व बैंक या सेबी वगैरह ने, सेबी ने स्पष्ट कर दिया था, रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसी किसी भी योजना को हमने मंजूरी नहीं दी थी, कि कोई क्या आपसे कोई मंजूरी लेके इन्होंने कोई ऐसा ये कार्यक्रम चलाया था, तो वो भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसा कुछ भी किसी ने परमिशन नहीं ली है, लेकिन ये ऐसा प्रदेश में घटित हुआ। और क्रिप्टो करेंसी और इससे जुड़े जितने भी तौर तरीके थे उसको उन्होंने अपना के और डिजिटल मेथड से जो है इसमें एक भी पैसा हाथ से वो नहीं चला है, सब डिजिटली मूवमेंट है, और अंदर ही अंदर लोगों को एक दूसरे को पता लग जाता था कि उसको मिल गया, उसको पहुंच गया। तो इसलिए अब किंग पिंस पे हम शिकंजा कसते जाएंगे, और दूसरे इसके बाद जो है दूसरे राज्य की पुलिसें भी अब जो है पुलिस भी वो चुकन्ना हो रही हैं, इवन सीबीआई ने भी केस कोई रजिस्टर किया है, या पंजाब वगैरह में भी ये बात आई है। और एक्शन जो हिमाचल प्रदेश में हमने लिया है इन क्रिमिनल्स के खिलाफ, बैनिंग ये है BUD बर्ड्स एक्ट है, बर्ड्स एक्ट बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, जिसमें कि इसमें पनिशमेंट का ऑफ 7 साल से ज़्यादा पने 10 साल तक की, जिसमें कि इसमें पनिशमेंट का एक्ट के तहत जो है पनिशमेंट का अधिकार है, और हम बहुत जल्दी पुलिस जो है इसमें पहला चालान पेश करने वाली है। तो ये एक आज हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें सेक्रेटरी होम भी थे और जिसमें DGP भी थे
त्रिवेदी जी भी थे हमारे एडिशनल डीजी, तो उसमें ये बातें सामने आई हैं। और बॉर्डर्स को फ्रेंडली बताएं सर, किस तरह से इन्होंने अंजाम दिया इसको? इसमें सारा डिजिटल मूवमेंट है, डिजिटल मूवमेंट है कि इसमें क्या है कि ऊपर का आदमी जिसने पहले पैसे लगाए और जिसने आगे मेंबर्स बनाने थे, मेंबर्स बनाने थे, तो इसमें सीधा सीधा पैसे की ही इन्वॉल्वमेंट है। उसने आगे वाले ने बनाए तो ऊपर वाले को पैसे मिल गए, उसके आगे वाले ने बनाए तो उससे ऊपर वाले को पैसे मिल गए, तो ऊपर वालों ने तो कमाई कर ली और नीचे वाले जो हैं, अब जो नीचे जाके जो है उस रो में 500 करोड़ रुपया ऐसा है जो रिकवरेबल नहीं है, जो जिसको जिसकी वजह से हाहाकार मचने लगा था। और जिस बंदे ने पहली शिकायत की थी वो भी पुलिस हिरासत में है, क्योंकि उसने भी अच्छी कमाई की थी इससे, तो हालांकि उन्होंने शिकायत तो ज़रूर की लेकिन पंजाब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो हिमाचल पुलिस भी 10 गिरफ्तारियां कर चुकी है और बहुत संगीन मसला है हिमाचल प्रदेश के भोले भाले लोगों की लूट का। और हमारा तो आपको आज यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि हम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि ऐसी जो योजनाएं हैं, जो आकर्षक योजनाएं हैं, जो कहते हैं कि हम 45% तक ब्याज देंगे, जो कहते हैं कि हम आपका तीन या छः महीने में पैसा डबल कर देंगे, ऐसे लोगों की झांसे में ना आए, ऐसी चीज़ें संभव नहीं हैं, ये अंततः जो है क्राइम में बदलती हैं। तो इसलिए हम हिमाचल के और लोग डेलीगेशन में से मिले भी थे और उन सब लोगों का ये कहना था कि हमने तो पैसा लगाया और हमें मालूम नहीं थी। अब लेकिन जिन्होंने 2 करोड़ से ऊपर पैसा कमाया है, अभी एक हमने रेखा खींची हुई है कि जिन्होंने 2 करोड़ से ऊपर पैसा कमाया और नीचे वालों को जो है चूना लगा है, तो उन लोगों को जो है किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये कानूनन अपराध है। और ऐसी किसी भी योजना को हमारे वित्त मंत्रालय या हमारा रिजर्व बैंक या हमारे दूसरे संस्थान जो कि पैसे की रेगुलेशंस करते हैं, उससे किसी भी तरह की मंजूरी नहीं थी। और लेकिन इसमें हिमाचल प्रदेश के 1 लाख लोग चपेट में आए हैं, तो ये मैं आपसे पहली बात करना चाहता था। जिनका पैसा डूबा है, क्या उनको सरकार वापस पैसा दिलाने में मदद करेगी या फिर वो डूब चुका है पैसा? नहीं, देखिए एक बात तो ये है कि पैसा अगर किसी ने भी लगाया है, उन्होंने एक अनधिकृत योजना में लगाया है जिसकी कि कोई मान्यता नहीं है सरकारी तौर पे, तो लेकिन अब देखते हैं कि कितनी ज़मीनें इसमें हासिल होती हैं, कितने फ्लैट्स मिलते हैं, कितनी दूसरी प्रॉपर्टियां मिलती हैं, मूवेबल या इमूवेबल जो भी एसेट्स मिलेंगे उसके बारे में जो भी फैसला होगा वो तो बाद की बात है। लेकिन लोगों के खातों में तो पैसा नहीं है, ये लोगों ने या तो प्रॉपर्टीज़ पे इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर ये है कि वो उसी डिजिटल मोड में पड़ा हुआ है जहाँ से निकालना कोई आसान नहीं है। तो सब जगह जो स्टेट की पुलिस ने अच्छा काम किया है, हमारे DIG अभिषेक दुल्लर इस पे काम कर रहे हैं क्योंकि वो पहले CBI में रहे हैं, तो उनको इस पे काम करने का थोड़ा ज्ञान भी था और कुछ और भी हमारे पुलिस ऑफिसर जिनसे मिल के, तो ये मसला जो फ्रॉड का और किस ढंग से मार्केट मैनिपुलेशंस की गई और जो सिक्योरिटी को ब्रीच करके ये अमल में लाया गया, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर, इसमें क्या किसी पॉलिटिशियन की इन्वॉल्वमेंट भी है, क्योंकि इस तरह की बातें भी हो रही है, आपने कहा सरकारी कर्मचारियों की तो उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या अब इसमें पॉलिटिशियन और अफसरों की भी इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, देखिए सरकारी कर्मचारी भी लोभ लालच में ही आए होंगे कि उन्होंने वो पैसा लगा दिया, अपना पैसा लगा दिया, कोई रिटायरमेंट पे पैसा मिलता है, कोई GPF का लगा दिया, किसने कोई लगा दिया, तो सब लोग झांसे में आए। तो जो हमारी आम पब्लिक है, जो हिमाचल प्रदेश के भोले भाले लोग हैं, आम पब्लिक है,
हम उनको तो राहत देने के पक्षधर हैं, हम उनका बचाव भी करना चाहते हैं, लेकिन जिन्होंने ये पूरा जो मास्टरमाइंड हैं, जो किंग पिंस हैं, और जिन्होंने 200 करोड़ रुपया कमाया है, या जिन्होंने 2 करोड़ से ऊपर मुनाफा कमाया है, तो ऐसे जो ऊपर के लोग हैं उनसे पूछ पड़ताल भी हो रही है, और है सब कुछ जो है मोबाइल्स में और डाटाज में ही सर, है। सवाल मेरा ये था, क्या इसमें हिमाचल के कोई MLAs भी शामिल हैं? कुछ नहीं नाम ऐसा सामने नहीं, आए ऐसा है हैं? कि अभी तक किसी किसी राजनीतिज्ञ का या किसी आला अधिकारी का या कोई ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिली है, DSP रैंक के अफसर की जो है लेकिन सर। नहीं वो ऑफिसर हैं, जेल वार्डन, तो ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने पैसा लगाया, क्योंकि ऐसा है कि पुलिस वालों ने इसलिए पैसा लगा दिया क्योंकि इस गेम को शुरुआत में रन करने वाले कुछ ज्ञानी लोग थे काडर में, तो उन्होंने उनका पैसा लगवा दिया, तो चलो इसमें कुछ लोगों ने तो सिर्फ इसलिए पैसा लगा दिया कि 6 महीने में डबल हो रहा है, 9 महीने में डबल हो रहा है, तो उस झांसे में आ गए, लेकिन जिन्होंने ये पूरा जाल बछाया, हमारा कंसर्न उनसे है जिन्होंने हिमाचल की पर सर जनता, पब्लिक तो बोल रही है कि जो ज्यादा नेटवर्क की वो पुलिस के लोगों ने की, और खासकर सर मंडी से ऑपरेट हुआ। और जो ये चर्चा तो सवाल सर पूछ रहे पॉलिटिशियंस हैं, को क्या लेकर। उस वो एक्यूज्ड की कैटेगरी में है या विक्टिम की इनोसेंट है, वो कैटेगरी में? इनोसेंट है सर। नहीं अभी तक तो देखो ऐसा है, जो पहले 50 लोग हैं, जो 50 गिरफ्तारियां लगभग हो जाएंगी, वो तो एक्यूज्ड ही होंगे, 10 लोग जो पहले पकड़े गए हैं जिन्होंने 200 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया जिन्होंने कमाया है, या जो बड़ी बड़ी गाड़ियों आलीशान गाड़ियों में चल रहे थे, या जिन्होंने शानदार बंगले खरीदे हैं, वो एक अलग लोग हैं। सर पत्रकार भी हैं कोई क्या? पर ये है कि ये बहुत बड़ा घोटाला जो है अनर्थ हुआ है हिमाचल प्रदेश में, जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा। एक तो ये था, प्रॉपर्टी को भी सीज किया जाएगा? बिल्कुल प्रॉपर्टी सीज होंगी, सीजर सब होंगे, वो तो जो बनता है कानून के दायरे पुलिस में। के कितने लोग हैं सर इसमें? नहीं देखो हम किसी कैटेगरी को इसमें इंगित नहीं करना चाहते, ना किसी इलाका विशेष को इंगित करना चाहते हैं, सारी बढ़ा लेंगे सर, ये तो कहीं तो इसलिए ये, क्योंकि जांच चल रही है और जांच बड़ी गति से चल रही है, और आपको मोटे तौर पे इसका इलम हो गया है कि ये घोटाला क्या है, और क्योंकि SIT गठित होने के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं, और सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति आप बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रदेश की जनता की लूट नहीं होने देंगे, तो उस नज़रिए से ये चल रहा है। और सेकंड मसला जो है हमारा ट्रांसपोर्ट की टैक्सेशन को लेके पिछले दिनों काफ़ी विवाद चलते रहे, और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ओवर द इयर्स जो हैं बड़े लंबे सालों से कुछ गाड़ियां आ रही हैं जिनका टैक्सेशन नहीं है, और अब हम इस प्रश्न में तो पढ़ना नहीं चाहते कि वो टैक्सेशन क्यों नहीं था, और जिन लोगों ने जो है हिमाचल प्रदेश को ये जो है व्यवस्था को इसी ढंग से चलने दिया, आजकल वो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, जिनकी वजह से ये सारी व्यवस्था जो है चरमराई रही, और चाहिए तो ये था कि वो अपने समय में सब चीज़ों को रेगुलेट करते। आप ये बताएं कि जो टैक्सेशन सबके लिए बनी है उसमें से कोई अकेला कैसे जंप करेगा, आखिर व्यवस्था तो बनाई जाएगी, तो हम जब व्यवस्था बना रहे हैं तो कुछ लोगों को परेशानी होती है, हम उससे बेपरवाह हैं, क्योंकि जो जिनको परेशानी होती है उनको वो लोग हैं, जब हिमाचल प्रदेश को त्रासदी के दौरान जो है रिलीफ पैकेज मिलना है तो वो उसके विरोधी हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी उसका विरोध करते हैं,
और जब वाटर सेस लगता है और पानी पर राज्य का विशेष अधिकार है वो उसका भी विरोध करते हैं, जब किस प्रदेश को टैक्स नहीं मिल रहा है किसी भी तरह का और वो टैक्सेशन की प्रणाली तय होती है उनको इस बात पे भी परेशानी सिर्फ इस बात की है कि हिमाचल को किसी तरफ से आय का कोई साधन ना बन जाए, और इसलिए हम उनकी उनके बातों का जो है ज़्यादा संज्ञान नहीं ले रहे हैं, हम आपके साथ सिर्फ व्यवस्था की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो ये जो प्रणाली हमने की है ये सिर्फ एक व्यवस्था कायम करने के लिए और एक सरलीकरण के लिए कि हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है कौन कौन सी गाड़ियां आ रही हैं, कहां आ रही हैं, किधर आ रही हैं, क्या काम कर रही हैं, उसका जानकारी तो विभाग को होनी चाहिए, प्रदेश को ये तो जानकारी होनी चाहिए कि कौन आया है कौन गया है। तो इसलिए अब जो टैक्सीज का स्ट्रक्चर है, जब पहले पता लगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज गाड़ियां चलती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के साथ साथ लोगों ने स्टेज कैरियर चलानी शुरू कर दी हैं कि वो सवारी भर के आ रही हैं, तो इसलिए जब इसका संज्ञान जब लिया गया तो उस संज्ञान के दौरान 3-4-5 तरह की और भी गाड़ियां बीच में आ गई। तो इसलिए ये कोई किसी को जो है तंग करने या परेशान करने के नज़रिए से मसला नहीं है, हिमाचल प्रदेश का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है डायरेक्टर मेरे साथ बैठे हैं, इस साल लगभग 1,000 करोड़ रुपया जो है वो विभाग जो है प्रदेश के कोष में योगदान देने वाला है, तो विभाग अपना काम कर रहा है और विभाग को जो है जो सारे व्यवस्थाएं हैं वो हम देख रहे हैं। एक तो हमने कहा था कि जो गाड़ियां हिमाचल प्रदेश में हमने ट्रकों को मौका दिया था कि आप वन बड़े देर से ट्रक वालों ने टैक्सेस नहीं जमा करवाए हैं और वो कहते थे कि हमारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाओ गुड्स टैक्स की, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, और 31/12/2021 से पहले जो टैक्सेस ड्यू थे ट्रक वालों के, और वो मांग कर रहे थे कि हमें पेनल्टी वेव की जाए और हमें जो है इंटरेस्ट वेव किया जाए तब हम जमा करवाएंगे। दो बातें वो लगातार कह रहे थे, प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में ट्रकर्स हैं और वो टैक्स इसलिए नहीं जमा करवा रहे थे कि उनकी मांग थी कि टैक्स इतना ड्यू हो गया है कि अब हम पेनल्टी को वेव करो और आप जो है इंटरेस्ट को वेव करो। अब हमने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिए, हमने कैबिनेट में किया था, हमने ऐलान किया था और उसके बाद अब ये नोटिफिकेशन आ गई है। ये जो है टैक्स जो है जो उनका बनता है शेल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 10% जो इस पे लगेगा उनको ड्यूटी लगेगी लमसम, और उसके साथ ही वो अपना सारा पैसा जमा करवा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी राहत जो है ट्रकर्स को, प्रदेश के ट्रकर्स को हमने दे दी कि उनकी पेनल्टी भी माफ़ कर दी और उनका इंटरेस्ट भी माफ़ कर दिया, नोटिफिकेशन हो गई। कुछ लोग लगातार पत्रकार साथी बात कर रहे थे कि आपने घोषणा की थी, आपने विधानसभा में कहा था और आप लोगों ने जो है नोटिफिकेशन नहीं की है, तो क्योंकि लीगल डिपार्टमेंट्स वगैरह से वेट वगैरह होना था मसला, तो ये सारा हमारे सामने आ गया। और उसके बाद जो हैं जो टैक्स जो हैं, एक जैसे ही हमारी नई नोटिफिकेशन टैक्सेशन को लेके आई तो कुछ लोगों ने शगुफे फैलाने की कोशिश कर दी कि
एसआरटी जो है, स्पेशल रोड टैक्स जो है, हिमाचल सरकार ने बढ़ा दिया और उसकी जो दुष्प्रचारक हैं या जो शुभचिंतक हैं वो अपने तरीके से काम करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि इन्होंने बढ़ा दिया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ऑटो रिक्शा है उसका एसआरटी पहले भी 363 रुपये था, वर्तमान में भी 363 रुपये है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। एसआरटी ऑटो रिक्शा के बारे मसले में एक पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो हमारा आपसे आग्रह है कि आपके माध्यम से हमसे ही बात पब्लिक के समक्ष रख सकें। और जहाँ तक ये भी कहा गया कि 4+1 टैक्सी के बारे में ये कहा गया कि एसआरटी 6 गुना बढ़ा दिया है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल निराधार है। ये टैक्स पहले भी 1350 रुपये था और वर्तमान में भी ये 1350 रुपये ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और सिर्फ ये है कि पहले टैक्सेशन की जो पुरानी दरें थी वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट निर्धारित करता था, अब इसका अधिकार क्षेत्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास आ गया, उसने इसका सरलीकरण किया है। तो दोनों के केसेस में, ऑटो रिक्शा के भी और टैक्सीज के केस में 363 रुपये एसआरटी और इधर 4+1 के लिए 1350 जो है वो उतना ही है। और जहाँ तक कुछ लोगों ने बसेस को लेके भी अफवाहें फैलाने की कोशिश की, ये जो स्टेज कैरिज की बसों की एसआरटी की दरों के बदलाव की बातें जो प्रेस में आ रही हैं ये बिल्कुल निराधार है, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी रिवीजन का प्रस्ताव ना तो था और ना ही है। इन दरों में पिछले 18 सालों से कोई बदलाव नहीं आया है और शेड्यूल में अधिकतम प्रस्तावित रेट 10% पर सीट पर किलोमीटर है। और कुछ लोगों ने प्रेस में भी, मैं आग्रह करूंगा, हमारे साथी हैं, बरादरी के लोग हैं, नीम हकीम खतरा जान वाली बात मत करें, क्योंकि ये है शेड्यूल हमारा जो है वो हम एक तय करते हैं कि मैक्सिमम टैक्स कितना लग सकता है, वो आज से नहीं हमेशा से तय है कि 10 पैसे पर सीट पर किलोमीटर उसमें रेट हैं। लेकिन वो हिमाचल में लागू थोड़ा नहीं हुए हैं, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी उसमें पहले शेड्यूल लगाना पड़ता है कि शेड्यूल क्या है, शेड्यूल के मुताबिक, और लेकिन उसको आगे पढ़ना पड़ेगा कि हिमाचल ने क्या किया है। परंतु दिनांक 9 जनवरी 2006 की नोटिफिकेशन के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो दरें हैं वही दरें चल रही हैं, वो हैं नेशनल हाईवे पे 6 रुपये 4 पैसे लगते हैं, है नहीं, 6.4 पैसे लगते हैं, और स्टेट हाईवे पे 5.03 पैसे लगते हैं, और रूरल रोड पे 4.03 पैसे लगते हैं। 2006 में जो लग रहे हैं वो आज इम्प्लीमेंट है, तो किसी ने जल्दबाजी में शेड्यूल पढ़ा और वो छाप दिया। तो ये जो है इसमें कोई बदलाव नहीं है और बसों की एसआरटी में कोई बदलाव नहीं। और मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि ना इसका कोई प्रस्ताव बदलने के लिए था ना कोई है, और दिनांक 1 नवंबर 2023 को जो नोटिफिकेशन हुई है उसमें टैक्स के रेट तय किए गए हैं। ये दोनों नोटिफिकेशनें अलग 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 हैं, अतः इसमें से कुछ लोगों को भ्रम में ना डाला जाए। तो ये दो बातें आपको, हमारी, मुझे लगता है मेरे प्रेस के बंधुवरों को समझ आ गई होगी कि ना तो एसआरटी ऑटो रिक्शा का बदला है, ना ही टैक्सी का बदला है, और 4+1 का, और ना ही हमने जो है स्टेज कैरिज बसेस के एसआरटी की दरों में कोई बदलाव किया है। और कुछ राजनेता भी इतनी जल्दबाजी में हैं, वो भी जल्दी से कूद रहे हैं, हैं वो भी नोटिफिकेशन ही नहीं पढ़ रहे हैं, अधिसूचनाएं नहीं देख रहे हैं, उनको लगता है कि शायद इसी में जो है हमारी बेहतरी है। तो इसलिए
एक मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरा जो है, आपने सुना टैक्स को लेके पहली सितंबर 2023 को क्या स्थिति थी, और उसमें जो है जो आप देखते हैं टेम्पो ट्रैवलर्स वगैरह वाले आ रहे थे जो कहते थे कि हमारा एक टेम्पो है फला है। पहले क्या था कि जब हमने टैक्सेशन की थी हमने कहा था कि जो कंट्रैक्ट कैरेज हैं या जो बाहर से गाड़ी आ रही है उस पर हमने 5,000 रुपये लेंगे। उसके बाद सारे हिंदुस्तान के ऑपरेटर्स हमारे पास आए और चर्चा भी उन्होंने की, और उसके बाद डायलॉग भी हुए हमारे साथ, डायलॉग हुए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ डायलॉग हुए। कंट्रैक्ट कैरेज बसेस जो हैं कवर्ड अंडर ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल परमिट रूल 2023। एक दो तरह की गाड़ियां हैं, एक तो वो कहते हैं कि जो कहते हैं कि हम दिल्ली में 3 लाख रुपया जमा कराते हैं उसमें से आपको शेयर मिलता है तो इसलिए हमारे पर टैक्स ना लगे। एक वो लोग हैं जो टैक्स देते नहीं हैं, दिल्ली में भी नहीं देते, हमें भी नहीं देते, और वो कहते हैं कि जी नहीं धक्के में चलेगा काम। तो लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 13 से 32 सीटर का जो है, 13 से 22 सीटर कंट्रैक्ट कैरिज जो है, 13 से 22 सीटर कंट्रैक्ट कैरिज, इनको पहले जो है पर डे 3,000 रुपये था, अब हमने 500 रुपये कर दिया है पर डे। 3,000 को कम करके 500 रुपये कर दिया है, और इसी कैटेगरी में 1322 सीटर जो है उनका वीकली जो है 15,000 था जिसको रिड्यूस करके 2,000 कर दिया है। तो भारी भरकम कटौती हमने की है डायलॉग होने के बाद, और उसके बाद जो 23 सीटर एंड अब हैं, 23 सीटर से जो आगे 32 सीटर तक जाते हैं, उनका पहले डेली 5,000 रुपया था, उसको हमने कम करके 1,500 कर दिया है, 1/3 जो है, 2/3 रिडक्शन, 70 से 80% के आसपास की रिडक्शन हो गई है। और वीकली जो जिनको 20,000 रुपया था वो हमने उसमें से 14,000 की कटौती करके उसको 6,000 कर दिया है। तो ये बिल्कुल जेन्युइन रेट्स हैं। आखिर जो गाड़ी स्टेट में आएगी उसकी उसका रिकॉर्ड रखना, उसकी टैक्सेशन की प्रणाली तय करना, ये हमारा काम है। और एक जरूर है कि हिमाचल प्रदेश में वैनिटी वैन पे कोई टैक्सेशन नहीं थी। आप देखते हैं बड़े बड़े हीरो हीरोइंस वैनिटी वैन्स रखते हैं, यहाँ भी आते हैं कुछ लोग वैनिटी वैन लेके आते हैं, उनका कोई भी प्रोविजन नहीं था। कुछ बड़े लोगों में होड़ भी रहती है किसकी वैनिटी वैन कितने करोड़ की है, कितने उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो एक तो हमने उसको जो है अपनी नोटिफिकेशन में जोड़ दिया, शेड्यूल नोटिफिकेशन में जोड़ दिया है कि अब उसका भी टैक्सेशन होगा। और सेकेंडली कंट्रैक्ट कैरिज अंडर एग्रीमेंट इन हिमाचल प्रदेश जो चलती हैं गाड़ियाँ, उसका भी जो है ये हमारे शेड्यूल में नहीं था। जो हमारी नोटिफिकेशन 31 अक्टूबर 2023 को हुई है उसमें हमने ये दो नई श्रेणियाँ ऐड कर दी हैं, ये दोनों श्रेणियाँ हमने अब ऐड कर दी हैं ताकि आने वाले समय में इसमें भी कोई गफलत ना हो। और उसके बाद हमारे पास एक इंडस्ट्रियल एरिया में बसेज आती हैं। टेम्पो ट्रैवलर का मसला मैंने आपको बता दिया कि हल हो गया, और उसके बाद कंट्रैक्ट कैरेज वाला है वो हमने हल कर दिया है। प्रदेश के अंदर की बसों का, टेम्पुओं का, 4+1 टैक्सीज का टैक्सेशन में कहीं कोई बदलाव नहीं है। और अब एक इंडस्ट्रियल एरिया में जो
एक महत्वपूर्ण विषय हमारे समक्ष ये भी था कि सैकड़ों की संख्या से पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ से बसें फैक्ट्री के कर्मचारियों को लेकर बद्दी बरोटीवाला और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में आती हैं और उसमें कोई भी टैक्स की व्यवस्था ना होने से राज्य को लॉस हो रहा था और विभिन्न ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनों से भी हमारी बात हुई और उसमें भी हमने उसको रिस्ट्रक्चर किया है और डायलॉग के बाद हमने ये फैसला किया है कि किसी भी ढंग से टैक्स की चोरी रोकी जाए, टैक्स का जो है स्ट्रक्चर जो है चोरी जो हो रही है उसको रोका जाए। टैक्स कम लगना है ज़्यादा लगना है एक अलग व्यवस्था है, लेकिन टैक्स की चोरी तो नहीं होनी चाहिए। तो इसमें बाहरी राज्यों में पंजीकृत हिमाचल में आने वाली PSV प्राइवेट सर्विस व्हीकल जो बाहरी राज्यों में पंजीकृत हैं, इसका वार्षिक टैक्स जो है अब लगभग 12,000 के आसपास हो गया है पर मंथ। और जब वो लोग डायलॉग को भी आए थे उन्होंने यही बात रखी थी, उन्होंने कहा था कि अभी आप 60,000 ले रहे हैं, 60,000 जो है हायर साइड पे है, तो आप जो है हमें इसके आसपास अगर रख दें तो हम लेने के लिए तैयार हैं। तो हमने उनकी बात भी मान ली, लेकिन अब तक तो कोई टैक्सेशन थी नहीं, तो वो हमने किया है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व्हीकल अंडर एग्रीमेंट इन हिमाचल प्रदेश जो उसमें भी हमने टैक्सेशन तय कर दिया है। तो इसलिए जो भी गाड़ियां आती हैं, कोई इंडस्ट्री में आती हैं, लेबर लेके आती हैं, हमारी इंडस्ट्री इफेक्ट ना हो तो हमने डायलॉग करके उनके साथ बात कर ली। टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट प्रभावित ना हो, सैलानी प्रभावित ना हो, तो क्या हम चाह रहे थे, क्या वो चाह रहे थे, उसमें डायलॉग के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से वो भी हमने हल कर दिया। तो जितने भी टैक्सेशन की व्यवस्था थी वो हमने इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, प्रदेश के पर्यटन के हितों को सामने रखते हुए, प्रदेश के उद्योग को हितों को सामने रखते हुए और प्रदेश के जो ऑपरेटर्स हैं, जो छोटे ऑपरेटर्स हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सारा मसला हमने हल करने की कोशिश की। और कुछ ऐसी गाड़ियां हैं HP02 गाड़ियां हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर ही नहीं हुई और टैक्स नहीं दे रहे हैं और उनको बाहर जाना पड़ रहा है। वो ऐसे उसके बाद उन लोगों ने भी हमारे से बात की कि हम तो फोर्सिबली बाहर जा रहे हैं। हमने कहा कि आपकी गाड़ियां हिमाचल में रजिस्टर ढंग से हों, आप टैक्सेशन हिमाचल प्रदेश में दें, आपका जो क्या 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 आता है, गुड्स टैक्स है, GST टोकन टैक्स, जो भी चीज़ें आती हैं प्रदेश को मिले, तो इसलिए लोग हिमाचल प्रदेश में गाड़ियां रजिस्टर कर सकें। वो भी हमने उसके भी हमने रास्ते खोले हैं, ट्रकों वालों के लिए भी हमने रास्ते खोले हैं। और अब हम जो भी हमारे पास सीरीज एक नंबर की सीरीज है उसको भी हमने नीलामी पे लगाने जा रहे हैं, जो हमारे 0001 की सीरीज है, हमारे पास बहुत नंबर हैं, क्योंकि हमारे जो दूसरे नंबर हैं उसमें बहुत अच्छी हमारी प्रणाली को कामयाबी मिली है। तो 7 करोड़ रुपया आ चुका है, 7 करोड़ रुपया हम अर्जित कर चुके हैं नंबरों के माध्यम से। अब हम एक नंबर जो हैं जो हमारे पास काफ़ी पाइल अप हो रखे हैं उसको भी हम और उसमें मिनिमम बोली जो है 5 लाख की है, लेकिन बाकी तो जैसे भी जाएगी तो वो भी हम पब्लिक के लिए खोल रहे हैं ताकि जो आम आदमी एक नंबर लेना चाहता है उसको भी फैसिलिटेट किया जा सके। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो भी सुधारवादी कदम उठाने की ज़रूरत है वो कर रहा है, डायलॉग भी कर रहा है, बातचीत कर रहा है और जो भी, लेकिन कुछ लोगों को निश्चित तौर पर परे जो है जो दिखते हैं उसका तो निवारण नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश के पर्यटन, हिमाचल प्रदेश के उद्योग, हिमाचल प्रदेश के ऑपरेटर्स, उन सबको ध्यान में रख के
और डायलॉग करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं कह सर, ये जो ये जो बाहर से बसेज आ रही हैं जो ऑल इंडिया परमिटेड है, जब हिमाचल में एंटर करती है वो आप चालान करते हैं, लेकिन अब आपने क्या किया, जो नगद पैसे देते थे आपने सरकार के खजाने में डालने की व्यवस्था की, लेकिन क्या ये व्यवस्था लीगल है? नहीं, ऐसा है कि अगर हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ नोटिफिकेशंस किए हैं तो आप समझ सकते हैं कि नोटिफिकेशंस जो हैं, इतना समय जो लगा है उसको सब चैनल से बैठ करने के बाद और कंपनियों से बातचीत करने के बाद हमने, ऐसा नहीं है कि देखो स्टेट के पास टैक्स लगाने के 36 तौर तरीके हैं, हमारे अभी डिज़ास्टर होके आता है, हमारे को बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, तो वो हम किसी भी तरीके से वो कर सकते हैं, लेकिन हमने डायलॉग के माध्यम से, ठीक है वो लोग जो हैं, एक बात तो है वो आज भी हम कह रहे हैं कि कंट्रैक्ट कैरिज ये है कि गाड़ी लदेगी और एक गंतव्य स्थल पे आएगी, बीच में सवारी नहीं, सवारी नहीं उठाई जाएगी, ये आप भी मानते होंगे और ये सब लोगों को जहन में है कि बस जो है सवारी उठा रही है, जबकि हमारा पांचों स्टेटों के साथ एग्रीमेंट है कि वो हमारी लिमिट में कितना आएंगे, हम उनकी सीमा में कितना जाएंगे, तो और इसलिए जो है किराए का निर्धारण का मसला है, लेकिन ये जो मसला है कि कंट्रैक्ट कैरिज लोग चलाएं खुशी से आएं, लेकिन आप उसको जो है स्टेज कैरियर में बदलते हैं तो प्रदेश में या पड़ोसी राज्यों की जो बसें जो हमारे साथ एग्रीमेंट में हैं वो सब प्रभावित हो जाती हैं, तो लेकिन चलो अब तो हमने टैक्सेशन कर दी है हर तरफ और लोग दे रहे हैं, अभी कुल्लू दशहरा के दौरान मैंने देखा कि सैकड़ों बसें आ रही थी और सैकड़ों टेम्पो ट्रैवलर मुझे रास्ते में मिले, तो इसलिए लोग आ रहे हैं, हमें व्यवस्था सही करनी थी, हमने वो डायलॉग से कर दिया। सर ये वैनिटी वैन पे कितना टैक्स हो गया? 7500 रुपया पर क्वार्टर। ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, इसमें ज्यादा पढ़ने की। सर सवाल था कि डिप्टी सीएम मामले में आज कोर्ट ने आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा था, अब सुनवाई 7 दिसंबर के लिए टल गई है, डॉक्यूमेंट आपकी तरफ से प्रोड्यूस किए गए थे और आपकी तरफ से पक्ष क्या रखा गया था? देखिए मामला अदालत में है तो मैं इसे किसी भी तरह ये प्रेस का विषय नहीं बनाना चाहता, मैं प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ और देश में इसमें 21 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और भाजपा शासित राज्यों में भी 7 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा बात ना करते हुए ये मामला अदालत के विचाराधीन है, अदालत को फैसला करना है। हिमाचल मिनिस्टर जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन पर टैक्स कितना? सर वो परसेंट पर एनम कर दिए, 500 रुपया बड़ा लोअर साइड पे है, 5000 से 500 के आगे, ये तीन तरह की कैटेगरी है ना, तीन तरह।